वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुपर फैक्ट। क्या आपको पता है कि एमआरआई मशीन और सीटी स्कैन मशीन में डिफरेंस क्या होता है? एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन्स एक जैसी ही होती हैं और इनका काम भी एक जैसा ही होता है, लेकिन दोनों मशीन्स अलग अलग होती हैं। एमआरआई मशीन से सीटी स्कैन नहीं किया जा सकता और ना ही सीटी स्कैन मशीन से एमआरआई किया जा सकता है। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज हमारे शरीर के भीतर की तस्वीरें लेता है और समस्याओं का उजागर करता है। सीटी स्कैन यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी हमारे शरीर के अंदर की तस्वीरें लेता है और उन समस्याओं का खुलासा करता है। यह दोनों मशीनों को किसी विशेष जांच में इस्तेमाल के लिए लाया जाता है। एमआरआई मशीन में जोड़ों, कलाई, टखने, चेस्ट, ब्रेन, हार्ट, ब्लड वेसल्स की जाँच के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वहीं सीटी स्कैन से टूटी हड्डियों, ट्यूमर, कैंसर, इंटरनल ब्लीडिंग, इन्फेक्शन आदि का पता लगाया जाता है। जहां एमआरआई मशीन्स एक रेडियो वेव्स के जरिए काम करती है, वहीं सीटी स्कैन मशीन्स एक्सरे के जरिए काम करती है। एमआरआई मशीन्स काफ़ी शोर करती हैं। एमआरआई मशीन्स की तुलना में सीटी स्कैन मशीन्स काफ़ी शांत होती हैं। एमआरआई मशीन्स बहुत ही महंगी होती हैं। इनकी सेकेंड हैंड मशीन करोड़ में आती है। एमआरआई टेस्ट सीटी स्कैन टेस्ट के मुकाबले काफ़ी महंगी होती है और इनका खर्च आम आदमी नहीं उठा सकता। अगर आप एमआरआई स्कैन करवाने जाते हैं तो मरीज के सभी प्रकार के ज्वेलरीज, की रिंग्स, कॉइन्स, कड़े, मेटल आदि चीज निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि एमआरआई मशीन में ताकतवर चुंबकीय शक्ति होती है जिससे खींच या हलचल पैदा हो सकती है। सीटी स्कैन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है जिससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। सीटी स्कैन से निकलने वाले रेडिएशन कैंसर का भी कारण बन सकते हैं।